देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ई वोटर सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, जो सभी के लिए है। मतलब सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा ई वोटर सर्टिफिकेट के नाम से। ठीक है, तो ये क्यों करवाया जा रहा है आप लोगों से और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है। सो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे टाइप करना होगा coedelhi.gov.in। इसको आप लोग जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे, जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोगों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी अपने ई वोटर सर्टिफिकेट को बना सकते हो और उसे डाउनलोड कर सकते हो। इस पेज में आप लोगों को क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा टेक ई वोटर्स प्लेस, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने जो है कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आप लोग अपने नाम के सामने क्या टाइटल यूज़ करते हो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना नेम इंटर करना होगा। उसके बाद जो ये कैप्चा दिया गया है इसे आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना होगा। देन आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेलकम टू, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग जो है जिस भी लैंग्वेज में ई वोटर सर्टिफिकेट को इशू करना चाहते हो, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को लैंग्वेज चूज करना होगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग जिसमें भी करना चाहते हो आप लोगों को सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को जो है एक ऑथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इसे। हिंदी में मैंने इसलिए कर दिया है मतदाता शपथ, यहाँ पे आप देख सकते हो हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपनी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार को प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑथ जो है दिलाया जाता है। इसके बाद नीचे ही आप लोगों को एक चेक बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को नीचे ही एक सबमिट का बटन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सर्टिफिकेट है यहाँ बन चुका है, यहाँ पे आप लोगों का नेम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो भी ऑथ अभी आप लोगों ने लिया वही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, नीचे नई दिल्ली लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनका आप लोगों को साइन देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे आप लोगों को एक डाउनलोड करने का बटन देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो तो फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप में आप लोग जो है इसे शेयर भी कर सकते हो। सो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना ई वोटर सर्टिफिकेट बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोगों को इसे क्रिएट करना है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है।